खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर है इस वक्त की, जामिया में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जी हां, देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचा है जामिया में हुई हिंसा का मामला। सीजीआई की बेंच बैठी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, हम चाहते हैं हिंसा रुके, लेकिन जब हिंसा हो तो पुलिस क्या करे। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सीजीआई बेंच से मामले को मेंशन करने की इजाजत मांगी थी, जिस पर सीजीआई ने ऐसा कहा। और जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं बीपीडी संवाददाता अंकित गुप्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, अपडेट दीजिए, क्या हुआ अदालत में आज? जी बिल्कुल, अगर हम पिछले दो मिनट की बात करते हैं तो इंदिरा जयसिंह लगातार जो है सीजीआई से यही मांग कर रही है कि किसी भी तरीके से कोर्ट आदेश दे, जिससे कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के जवान हैं, जिन्होंने लाठी चार्ज किया था, जिन्होंने कार्रवाई की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से, सीजीआई की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है, हम सब आदेश देंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि हिंसा रुके, क्योंकि इस तरीके से अगर उपद्रव चलता रहेगा तो फिर किसी भी आदेश का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और सीजीआई लगातार यही कह रहे हैं कि आप पहले हिंसा रोकिए, उसके बाद हम आपकी बात भी सुनेंगे और आदेश भी जारी करेंगे। इस सबके बीच में एक वकील जो कोर्ट में थे, वो लगातार कोर्ट से, यानी कि सीजीआई की जो कोर्ट बैठी हुई है, कहने लगे कि इसका हमारे पास वीडियो है, आप वीडियो देखिए कि किस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है। उस पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए कहा है कि यह कोर्ट रूम है, आप चिल्लाइए मत, आप अपनी बात रखिए, और जो एक एक करके वकील बात रख रहे हैं, हम उनकी बात सुनेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज अब तक की जो सुनवाई हुई है उसमें यही निकल के आई है कि मुख्य न्यायाधीश की तरफ से कहा गया है कि अगर प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरना चाहते हैं तो वो वही करें, यहां पर ना आए, क्योंकि अगर आप यहां आ रहे हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आप शांतिपूर्वक एक जो है सौहार्द के माहौल में यहां पर आएंगे, हम आपकी बात भी सुनेंगे। और अब एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, सीजीआई ने कहा है कि हम कल सुनवाई करेंगे, लेकिन पहले हिंसा रुकना जरूरी है। कल सुनवाई होगी, लेकिन वो तब होगी जब हिंसा रुकेगी। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से है।